कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 11 मई को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पटना में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शंकर ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बिहार में कौन जानता है। रही बात इंडी गठबंधन की, तो वह पहले ही हार मान चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को बिहार में कौन जानता है, और रही बात कि ये इंडी अलायंस की, तो इंडी अलायंस तो पहले से ही हार स्वीकार कर चुका है और ईवीएम पे ठीकड़ा फोड़ने का काम तो ये लोग लगातार कर रहे हैं। बात अब बची है सिर्फ सनातन को गाली दिलवाने की। इन लोगों के हिसाब से तो ये लगातार सनातन को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। मदरसा छाप तंत्र को ये फलीभूत करने वाले लोग कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए कार्य करते हैं। इनको बस एक कुछ 1% मुसलमानों का वोट चाहिए, और उसमें भी खास करके असामाजिक तत्वों का। ये बहुसंख्यक समाज को हाशिए पर खड़ा करके बहुसंख्यक समाज को गाली दिलवाने के लिए और बहुसंख्यक समाज के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जातियों के अंतर्गत जो नेता हैं उनको गाली दिलवाने का काम ये कर रहे हैं लगातार। पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने नामांकन किया। इस दौरान एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी मौजूद रहे। वहीं रविशंकर प्रसाद ने नामांकन के बाद कहा कि जनता ने आशीर्वाद दिया है, जैसे पहले देश की सेवा किया अब भी देश की सेवा वो करेंगे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे बिहार के 2 वरिष्ठ हम समूह के अभिभावक पूर्व राज्यपाल आदरणीय गंगा बाबू और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना से सांसद रहे डॉक्टर सीपी ठाकुर जी ने, और साथ में राजेश सिंह जी और हमारे मेहता जी ने, प्रदीप मेहता जी ने हमें प्रस्तावित किया है। मैं नामांकन दायर कर दिया है। मैं पटना की जनता से आशीर्वाद चाहता हूँ, जैसे पहले देश के लिए काम किया था आगे काम करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राहुल गांधी पर साधे गए निशाने को जदयू सांसद संजय झा ने सही बताया और कहा कि राहुल गांधी ने अचानक पीएम मोदी और अडानी का नाम लेना बंद किया तो पीएम मोदी की टिप्पणी स्वाभाविक थी। बात तो सही बोल रहे हैं भाई कि पहले बोलते थे, अब भी तो बोलना चाहिए उनको, लगातार ही बोलते रहे हैं नाम ले लेकर के, बिल्कुल बोलना चाहिए। सडनली चुनाव के बीच में आप नाम लेना बंद कर दिए हैं, यही बात बोल रहे थे। क्या दिक्कत है भाई, पीएम तो सब जगह जाके रोड शो कर रहे हैं, रांची में भी जाकर के रोड शो किए थे, मीटिंग करते हैं, सामने जाके रोड शो करते हैं। पीएम की पॉपुलरिटी ऐसी है, डिमांड ऐसा है, स्वाभाविक है कि वो रोड शो करते रहे, हम जॉब शो करेंगे। कहाँ कहाँ सब जॉब शो, पता नहीं है बिहार में कैसा जॉब शो दिखाए थे। लैंड फॉर जॉब वही करना है क्या, लैंड फॉर जॉब शो करना है? जॉब शो पता नहीं कैसा जॉब शो किए थे बिहार में, सबको पता है देश में कैसा जॉब शो हुआ था बिहार में। मधेपुरा नगर परिषद में जगह जगह खुले नाले के ढक्कन संक्रमण बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। शहर में खुला नाला और जल जमाव को लेकर मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, इससे स्थानीय लोग परेशान हैं। दरअसल मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के कई प्रमुख वार्डों में महीनों से खुले नालों का ढक्कन लोगों को मुंह चिढ़ा रहा है, जिस वजह से शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। शहर में जगह जगह गंदगी और बजबजाते जल जमाव की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, और सफाई का काम महीनों पहले हुआ था लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रास्ते से गुजरने वाले लोग, बच्चे और पशु इसमें गिरकर कई बार चोटिल भी हो चुके हैं। इसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। समस्या यही है सर कि नाला खोलवा करके छोर जो दिया है, इसमें जो बच्चा गिर रहा है, गाय माल का बच्चा थी हो रहा है, कल क्या कहते हैं किसी का हार पंजा टूट जाएगा, कार का पार फूट जाएगा, इसका जिम्मेवारी के लेगा? यह ढक्कन कहीं लगा है, इससे मच्छर पैदा होता है, बीमारी होता है, कोई बच्चा आके खेलते 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 गिर जाता है, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जिला पदाधिकारी लेगा ना, चाहे चेयरमैन लेंगे, वार्ड कमिश्नर लेंगे, लेकिन किसी को कुछ से मतलब है नहीं, खाया पिया धोया बराबर हो गया, क्या करेगा उसमें लोग, हम लोग पब्लिक क्या करेंगे? साफ करना चाहिए, ढक्कन लगाना चाहिए सर।
यहाँ के स्थानीय निवासी आके बार बार हमें बोलते हैं कि नाला का ढक्कन खुला हुआ है, उसे लगवाइए। तो हम कार्यपालक पदाधिकारी को इस बारे में सूचना दिए कि यहाँ का ढक्कन खुला है, इसको लगवाइए, लेकिन अभी तक कोई मतलब कि काम नहीं हो रहा है। मतलब ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव हो रही, अगर आम जनता को ऐसी सूचना है कि कहीं पे जल जमाव है, जहाँ पे ब्लीचिंग की जरूरत है, वो हमें इन्फॉर्म करें, हमारे ऑफिस को इन्फॉर्म करें, हम वहाँ तुरंत भिजवाएंगे ब्लीचिंग। और औरंगाबाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी पाई है। औरंगाबाद पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को आईडी ब्लास्ट से उड़ाने की साजिश रची गई थी, जिसे पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। औरंगाबाद पुलिस ने मदनपुर थाना क्षेत्र के पचरुखिया के जंगली इलाके में लंगूराही की पहाड़ी से 3 शक्तिशाली आईडी बम बरामद किया है। और पुलिस सूत्रों ने बताया कि बरामद आईईडी बम बेहद शक्तिशाली है और इसकी विध्वंसक क्षमता अत्यंत घातक है। प्रत्येक बम का वजन 3-3 किलो है, जिसे बम निरोधक दस्ते द्वारा मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया। जो हमारा एफओबी है, उसी के पास से लगभग एक किलोमीटर पे C2 पॉइंट हम लोग चिन्हित किए थे, वहाँ से 2 आईडी बरामद हुआ। उसी C2 पॉइंट के 85 मीटर के अंदर ही एक दूसरा आईडी बरामद हुआ। दोनों आईडी प्रेशर आईडी था, एक 3 kg का, एक 4 kg का। फिर उससे एक हमारा C4 पॉइंट पे भी एक आईडी बरामद हुआ, एंड C7 और C8 जो हम लोग चिन्हित करते हैं उस पॉइंट पे भी एक आईडी बरामद हुआ। अगेन ये 3 kg और 4 kg का था। जो लास्ट आईडी बरामद हुआ वो लगभग हमारा जो एफओबी है वहाँ से 202 किलोमीटर, 600 मीटर, यानी लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 4 आईडी बरामद किए। कल सुबह से ऑपरेशन चल रहा था, जो हमारा ऑपरेशन शाम तक खत्म हुआ। जो हमारा गोपालगंज पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन कर जहां हार्डकोर नक्सली समीर डांगी को गिरफ्तार किया है, वहीं पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के पास से एक देसी कट्टा, 1 किलो 28 ग्राम चरस और चोरी की एक बाइक भी बरामद की है। सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के हरखुआ ढाला के पास चरस की खरीद बिक्री हो रही है। सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। कार्य किया गया जिसमें कि एक बड़ा क्रिमिनल अरेस्ट किया गया है, जिसका नाम समीर डांगी है, जिसके ऊपर पूर्व से ही औरंगाबाद जिले में भी 3 CLA के मामले दर्ज थे, UAPA के और तथा एक्सप्लोसिव एक्ट के भी केसेस दर्ज थे, और साथ ही साथ गोपालगंज जिला में 302 का मामला एक दर्ज था थावे थाना अंतर्गत, जिसमें कि कुरेश मुखिया हत्याकांड में भी इसके संलिप्तता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, तथा साथ ही साथ इसके पास से हम लोगों को लगभग 1 kg चरस बरामद हुआ है और एक अवैध अग्नियास्त्र और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और एक चोरी की मोटरसाइकिल। हम लोग इसके ऊपर कांड दर्ज करके इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं और साथ ही साथ अन्य कांडों में भी इसको रिमांड किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा चिराग पासवान पर दिए बयान के बाद अब हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को यह आभास हो गया है कि उनकी हार हो रही है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो तेजस्वी करेंगे जॉब शो, कौन जॉब शो किए, 5 विभाग उनको मिला था, अपॉइंटमेंट उन्होंने किया था, 15 साल उनके माता पिता रहे, कितने का अपॉइंटमेंट किया था। ये नीतीश कुमार जी ने जो कार्रवाई की उसी को लेकर के बार बार वो कह रहे हैं हमने वैसा किया है। क्या संविधान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई अस्तित्व है क्या? जब चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा तो डिप्टी मिनिस्टर कौन होता है? लेकिन लोग को भरमा रहे हैं, लोग समझते हैं कि बिहार के मतदाता बुद्धू हैं, लेकिन बिहार के मतदाता संविधान के ज्ञाता हैं, वो अपने में Elite Institute। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। Elite Institute।